एक तरफ समूचा विश्व कोरोना जैसी बीमारी से बचने की जंग में लड़ रहा है, मगर अफसोस है कि बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिला की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था है। यहाँ के लोग कोरोना जैसी महामारी के चलते राम भरोसे हैं। टीकमगढ़ जिले में कोरोना जैसी बीमारी दस्तक दे चुकी है। इसका पहला पॉजिटिव मरीज बलदेवगढ़ तहसील के लमेरा गाँव में मिला है, जिस पर तुरंत टीकमगढ़ कलेक्टर श्रीमती हर्षिका सिंह ने टीकमगढ़ जिला की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस जैसी महामारी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे टीकमगढ़ जिले के हर स्वास्थ्य केंद्रों की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अव्वल है और जिला प्रशासन इस बीमारी से लड़ने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है, मगर देखा जाए तो जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। टीकमगढ़ जिले के कई स्वास्थ्य केंद्र स्वयं बीमार नजर आते हैं, जिसको लेकर टीकमगढ़ जिला प्रशासन उन स्वास्थ्य केंद्र के बल पर कैसे दम भर रहा है, यह समस्या परे है। ऐसा ही जीता जागता उदाहरण टीकमगढ़ जिले की मोहनगढ़ तहसील के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जिसमें लगभग 40 ग्रामों के मरीज स्वास्थ्य की आस लगाए रहते हैं, लेकिन विषम परिस्थितियों में भी न कभी डॉक्टर रहते हैं न ही स्टाफ, केवल कागजों में ही होती रहती है खानापूर्ति। अस्पताल में चारों ओर लगा रहता है गंदगी का अंबार। लोग बड़ी उम्मीद से आते हैं स्वास्थ्य होने के लिए, लेकिन घर लौटते हैं बीमारियां साथ में लेकर। यहां कोरोना जैसी भयंकर परिस्थिति में भी नहीं है आवश्यक सामग्री, जैसे हैंड वॉश, सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स। इतना ही नहीं, हफ्तों से यहां पोछा तक नहीं लगाया गया है, जिसमें अस्पताल में विषैली मधुमक्खियों ने अपना आशियाना बना लिया है। कैमरामैन अनुराग सेन के साथ अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। दादा, आपका नाम? आप कहाँ से आए? हम आए थे खाटौन से। यहाँ किस चीज़ को इलाज कराने आए? कितने बजे हुई थी? 5 बजे। जब से कोई डॉक्टर था यहाँ? डॉक्टर नहीं था, मैडम थी। अच्छा, मैडम थी। तो आपके यहाँ मैडम थी तो अभी डॉक्टर नहीं आए? डॉक्टर आए थे सर। कितने समय तक थी? 10 बजे आ गए थे। हाँ, 12 बजे चले गए थे। लेकिन अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं दोपहर में सारे ऑफिस बंद हैं, इसके बाद स्टोर रूम भी बंद है, यहाँ मास्क की व्यवस्था नहीं है आप लोगों के लिए, सैनिटाइजर नहीं है हाथ धुलाने के लिए, और जो आपके यहाँ मेड में काम कर रही हैं वो ग्लव्स भी हाथों में नहीं पहने हैं, और वैसे कोरोना का खतरा चल रहा है, तो इसमें आप लोगों को डर नहीं लग रहा है? और बगल में देख रहे हैं अभी कि स्वच्छता अभियान भी चल रहा हो कोरोना के, इससे पूरी प्रशासन, जिला प्रशासन पूरा ताकत लगाए हुए है, मध्य प्रदेश की पूरा प्रशासन लगा है, देश का प्रशासन लगा है कि सफाई रखे, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गंदगी, इससे बीमारी फैलेंगी क्यों कि कमेंगी? प्रिय टीकमगढ़ वासियों, आज हमारे टीकमगढ़ जिले में एक केस पॉजिटिव आया है। एम्स भोपाल से प्राप्त जो रिपोर्ट है आज सुबह की, उसमें एक व्यक्ति हमारे बलदेवगढ़ क्षेत्र में वो पॉजिटिव पाया गया है। मैं इसको लेकर मैं आपसे ये अपील करना चाहूँगी कि आप कतई भी घबराएं नहीं, वहाँ पर जो भी हमें प्रोटोकॉल के अनुसार जो तैयारियाँ करनी है वो सारी तैयारियाँ कर रहे हैं। जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से अभी स्वस्थ है, उसका मेडिकल परीक्षण भी करवाया जा चुका है, उसमें किसी भी तरह के कोई भी लक्षण या सिम्टम्स पाए नहीं गए हैं, और वो हमारे मेडिकल सुपरविजन पे है। वहाँ पे जो कंटेनमेंट जोन बना के हमें जो कार्रवाइयाँ करनी हैं वो पूरी कार्रवाई के लिए हमारा पूरा अमला ऑलरेडी इसमें काम कर रहा है। आपसे बस ये अब ज़रूर एक विशेष अपील रहेगी कि हमारे ज़िले में क्योंकि एक पॉजिटिव केस आ चुका है, इसलिए हमें अपने घरों में रहकर इस लॉकडाउन का बहुत ही कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। कतई भी अब सड़कों पर ना निकले, घबराए भी नहीं, हम सब बिल्कुल इस इमरजेंसी के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हमारी पूरी टीम तैयार है। आप बस घर पे रहें, अपना और अपने परिवारजनों को का ध्यान रखें, और कतई भी सड़क पे अब बिल्कुल भी ना निकलें। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।